उत्तराखंड चुनाव में भी मुख्यमंत्री की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने मैदान में उतरे हैं। उत्तराखंड का इतिहास कुछ और कहता है। भगत सिंह कोश्यारी को अगर छोड़ दे तो उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए अपना चुनाव नहीं जीत पाया है, लेकिन धामी कह रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है। कम टाइम में मैंने जो काम किया है उसका सिला मुझे मिलेगा, वो ऐसा मान रहे हैं। खटीमा से मेरे सहयोगी अजय दुबे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगत सिंह कोश्यारी की बराबरी कर पाएंगे? क्या सीएम रहते हुए पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव जीत पाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के इकलौते ऐसे नेता रहे जो सीएम रहते हुए अपना चुनाव जीते हैं। ऐसा उत्तराखंड का दूसरा कोई भी सीएम नहीं कर पाया है, इसीलिए ये सवाल सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए उठ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सीट से अपना नामांकन कर दिया है। वैसे तो खटीमा सीट इससे पहले के चुनावों में कभी चर्चा का विषय नहीं रही, लेकिन अब ये सीएम की सीट है इसीलिए हाई प्रोफाइल बन चुकी है। धामी का दावा है कि जीत उनकी ही होने वाली है। हमने इतने सारे काम गिनाए और हमारे सामने जो है वो भी कोई बताए, सरकारों में रहे, कोई एक काम किया हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या पुष्कर सिंह धामी के लिए ये चुनावी जंग इतनी आसान रहने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी कद्दावर उम्मीदवार उतारे गए हैं। बीजेपी की तरफ से पुष्कर सिंह धामी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की तरफ से भुवन चंद्र कापड़ी और आपकी तरफ से एसएस कलेर प्रत्याशी हैं। 2017 के चुनाव में भी धामी और कापड़ी का ही मुकाबला था। धामी ने तब 2700 वोटों से जीत हासिल की थी। धामी 2012 चुनाव में भी यहां से जीत चुके हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। और ग्राउंड पर लोग क्या सोच रहे हैं वो 10 मार्च के बाद नतीजों में दिखने वाला है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।